हेलो गुड इवनिंग हेलो गुड इवनिंग हेलो हेलो अच्छा एक बार कंफर्म करिए कि मतलब अभी कोई क्लास रनिंग थी क्या हेलो शुभम कन्नू आप लोग बताओ अभी कोई क्लास रनिंग थी आप लोगों की क्लास चल रही थी क्या कोई इससे पहले क्या अभी मैं जब क्लास लाइव कर रहा था तो बता रहा था कि ऑन गोइंग है अभी कोई क्लास इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर पाया था शिवम हेलो एक बार कंफर्म कर दीजिए कौन से क्लास चल रही थी? मैं फिर एक बार बात कर लेता हूं, टीम से कि जो मेरा टाइम है ना उस शेड्यूल लेट ना करे क्या अपन आप, लोगों का टाइम गड़बड़ हो जाता है ना पूरा भी हेलो अरे दा सिविल पॉइंट ऐप के ऊपर कोई नॉन टेक्निकल बैच में कोई क्लास चल रही थी क्या टेक्निकल बैच में चल रही हूँ हेलो आवाज आ रही ना मेरी आप लोगों को किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रीजनिंग की क्लास थी ठीक है मैं बात करता हूं कि भाई टाइमिंग क्या है रीजनिंग की क्लास की सिम टाइमिंग क्या है क्लास की रीजनिंग की छः पंद्रह से सात और साढ़े सात के बाद भी चल रही है अच्छा चलो ठीक है मैं सर से बात करता हूँ थोड़ा है ना कि टाइम पे क्लास क्या थोड़ा लेट हो जाते हैं फिर वो हो ही नहीं पाता अपन लोगों का हेलो समस्या कहाँ आ रही है आवाज वगैरह ठीक आ रही है क्या यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है मेरे एंड से कमेंट वगैरह सो नहीं हो रहा है तुम लोगों को एक मिनट वेट करिए थोड़ा सेकंड हेलो ठीक है यस सर ठीक है बस एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा अभी कमेंट ऑन कर लूँ तुम लोगों के ना मेरे मोबाइल फोन में क्लास स्टार्ट कर लू करता हूँ yes, अच्छा लास्ट क्लास में अपन लोग कहाँ पढ़ रहे थे कंप्यूटर uh, सॉफ्टवेयर वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था जहां पे मैंने आपको देखो सबसे पहले तो हमने ट्रांसलेटर्स के बारे में पढ़ रहे थे ना सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया था सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर हमने सबसे पहले बात करी कहां ट्रांसलेटर्स के ऊपर ट्रांसलेटर आपके तीन टाइप के होते हैं कंपाइलर इंटरप्रेटर और असेंबलर फिर मैंने आपको कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में बताया कंप्यूटर लैंग्वेज आपकी दो टाइप की होती है ठीक है लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज में सिर्फ आपके एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज कौन कौन से मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज इन दोनों को छोड़कर अगर कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज की अगर बात हो रही है है ना कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात हो रही है जावा पाइथन सी कोई कोई भी PHP, कोई भी पीएचपी नाम आपके सामने आता है तो वो आपकी हाई लेवल लैंग्वेज होगी हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जैसे ह्यूमन ये इंसान जैसे समझ सकता है पढ़ सकता है और लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जैसे मशीन केवल केवल और केवल मशीन या सी पी जान सकता है पढ़ सकता है समझ सकता है ठीक है तो मैंने बताया था फिर मैंने हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में बताया और फिर मैंने बताया जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है सोर्स कोड आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है निमोनिक कोड या फिर जैसे हम कहेंगे असेंबली कोड और जो सबसे बेसिक लेवल कोड होता है जैसे मशीन पढ़ सकती है उसे हम मशीन कोड या फिर बाइनरी कोड या फिर ऑब्जेक्ट कोड के नाम से जानते हैं है ना बिल्कुल बेसिक कोड और ये कोड केवल आपका सीपीयू ही समझ सकता है पढ़ सकता है तो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम असेंबलर का होता सॉरी कंपाइलर का होता है सोर्स को कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का काम कंपाइलर का होता है ये एक तरह का ट्रांसलेटर है ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड को मशीन कोड में वैसे ही अगर मैं बात करूं निमोनिक कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का या ट्रांसलेट करने का काम का काम असेंबलर होता है फिर हमारे दिमाग में एक डाउट और आया कि सर ये इंटरप्रेटर क्या था तीन हमने तीन पढ़े थे ना कि तीन तरह के ट्रांसलेटर होते हैं कंप्यूटर के केस में कंपाइलर असेंबलर और इंटरप्रेटर अब इंटरप्रेटर जैसे हमने देखा एग्जाम्पल से समझा कि 1972 के अंदर डेनिस रिची ने बेल लेबोरेटरी के अंदर एक कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप करी थी जिसका नाम था सी और इसमें ट्रांसलेट करने के लिए इसको समझने के लिए रन करने के लिए एक कंपाइलर बनाया इन्होंने ठीक है हाँ कंपाइलर देखो बग इसलिए ज्यादा होते हैं कंपाइलर में देखो आ, गलतियां तो कोई इंसान है गलतियां कर रहा है तो वो तो प्रोग्रामर के ऊपर निर्भर करता है कि कितने बग आएंगे जैसे आ, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ये आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते आप बोल रहे हो कि कंपाइलर में ज्यादा बग होंगे इंटरप्रेटर में कम बग होंगे तो 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 सुन लो पहले मेरी बात को ध्यान से सुनना मैंने जैसे बोला आप आप प्रोग्राम प्रोग्राम लिख रहे हो तो हो लिखने वाले आप हो। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो गलतियां जो आप एर मतलब आपने जो गलतियां करी है ना प्रोग्राम लिखने समय जो प्रोग्राम के जो रूल होते हैं उन रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम नहीं लिखा है जो गलतियां आपने जैसे आप हिंदी की राइटिंग लिखते हो कि नकल वो बचपन में ऐसा टीचर बोलते थे हिंदी की इंग्लिश की नकल लिख के लाओ उस नकल में क्या है हम कुछ गलतियां अशुद्धियां लिखते थे तो जो हम कॉपी में नकल लिखते समय अशुद्धियां लिखते हैं ना वैसे ही प्रोग्राम लिखते समय जो गलतियां है होती हैं उन्हीं को हम एरर या बग कहते हैं जो आप बोल रहे हो तो मैंने क्या बोला बग तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप प्रोग्रामर के ऊपर निर्भर करता है कितने ज्यादा उसने करे हैं कितने कम करे हैं हाँ यहाँ पे कंपाइलर और इंटरप्रिटर का केस ये होता है कि ये चेक करते हैं जो कंपाइलर होता है ना वो एंड में क्या करता है पूरा प्रोग्राम लिखाने के बाद मतलब पूरा पेज नकल लिखने के बाद फिर चेक करता है कि कितनी गलतियां अब ये बताओ पूरे पेज में ज्यादा गलतियां होंगी कि सिंगल लाइन में सिंगल लाइन में कम गलतियां होंगी क्योंकि जो हमारा इंटरप्रेटर होता है वो प्रॉपर एक एक लाइन की कोड की एक लाइन पूरी लिखोगे ना एक सी लैंग्वेज का एक रूल होता है कि सेमी कॉलेज लगाया जाता है एक लाइन खत्म होने के बाद चलो मैं आगे बताऊंगा इनको आपको है ना तो एक लाइन पूरी लिखने के बाद क्या करता है उसको क्रॉस चेक कर लेता है है ना ठीक है पेज में ज्यादा होंगे तो इसका मतलब यह है कि कंपाइलर क्या करता है पूरा कंप्लीट एक बार पूरा प्रोग्राम बनने के बाद उसको क्या करता है टेस्टिंग करता है जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है हर एक लाइन में क्या करता है, आ, ये टेस्टिंग करता है. तो ये सिंगल लाइन में क्या करता है टेस्टिंग करता है और ये पूरे पेज के अंदर मतलब पूरा प्रोग्राम के अंदर ठीक है बहुत बढ़िया समझ आ रहा है मतलब आपको आप यही बोल रहे हो तो अच्छी बात है ठीक है चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं इंटरप्रिटर कंपाइलर और आपका एक और क्या था

किसी को कोई समस्या नहीं होगी किसी भी प्रकार से है ना अच्छा एक मिनट क्या बोलते हैं बग के बारे में बात कर रहे थे कि कंप्यूटर में हम कोई प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाता है गलती हो जाती है उसे हम बग कहते हैं या एरर कहते हैं एरर होता क्या है सुनो देखो अब अगर मैं आपसे एरर के टाइप की बात करूं कि कितने टाइप के एरर होते हैं और एर, एरर को फाइंड आउट कैसे किया जाता है जैसे मैंने अभी यहां पे लिखवाया आपको डी ये प्रोसेस होती है रिमूवल प्रोसेस और फाइंडिंग प्रोसेस क्या होती है इसकी आपकी टेस्टिंग तो मैं आपसे बोलता हूं एरर या रन टाइम एरर की बात करता हूं रन टाइम एरर का मीनिंग क्या है कि अगर आप कोई प्रोग्राम को रन कर रहे हो या उसकी टेस्टिंग कर रहे हो तो उस समय कौन कौन से एरर आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है रन टाइम एरर एरर रन टाइम एरर तो रन टाइम एरर की अगर मैं बात करूं तो कंप्यूटर के केस में आपको तीन टाइप के एरर दिखाई देंगे मतलब तीन टाइप के एरर के बारे में हम बात करेंगे तीन तरह के एरर हमें दिखाई देते हैं मतलब होते हैं जनरली कौन कौन से पहला होता है लॉजिकल एरर है ना पहला आपको देखने को मिलेगा लॉजिकल एरर अब ये लॉजिकल एरर क्या होता है दूसरा आपको मिलेगा देखने को यहां पे सिंटैक्स एरर सिंटैक्स एरर और तीसरा यहां पे आपको मिलेगा सिमांटिक एरर oh, एक सेकंड। एरर देखो एक एक करके हमें सभी के बारे में समझना है अगर मैं बात करूं लॉजिकल एरर की तो इस लॉजिकल एरर को कौन डिटेक्ट करेगा भाई देखो जो लॉजिकल एरर होगा आपके सिस्टम के अंदर उसको फाइंड आउट करने का काम उसको ढूंढने का काम किसका होगा है ना कोई बता सकता है कंप्यूटर के अंदर जो लॉजिकल एरर होगा वो किसके द्वारा ढूंढा जाएगा उसको कौन ढूंढ के बताएगा कि यहां पे ये लॉजिकल एरर हुआ है डिटेक्टेड बाय किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाएगा ठीक है वैसे ही अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा अगर एग्जाम में जब मैं बता रहा हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे यहां से आपको अगर आपसे बोला जाए कि जो सिंटेक्स एरर आपके प्रोग्राम के अंदर आता है तो उसको कौन डिटेक्ट करेगा ठीक है या फिर आपसे क्वेश्चन बन जाए कि ये बताइए जो सीमेंटिक सीमांटिक एरर होगा उसे कौन डिटेक्ट करके बताएगा कि आपके जो प्रोग्राम है इसमें सीमांटिक एरर आया है देखो मैं एक्सप्लेन करता हूं देखो ध्यान देना इसको समझने के लिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूं आपको सर प्रोग्राम आना चाहिए लिखना नहीं मैं यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखने वाला हूं अगर किसी को समझ नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तुम्हारे पेपर के अंदर कभी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम नहीं पूछा जाएगा बस समझने के लिए हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे बस एक प्रोग्राम का यूज कर रहा हूं मैं बस एक सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम लिखता हूँ आपके सामने ठीक है इस तरह से सबसे पहले मैं ऊपर के जो हैडिंग होती है वो हटा देता हूँ कोर प्रोग्राम अकेला यूज कर रहा हूं ठीक है यहां पे एक करली ब्रैकेट आएगा इस तरह से इंटीजर यहां पे पूरा नहीं आ पाएगा ठीक है मैं यहाँ पे आगे का प्रोग्राम यहाँ पे लिख देता हूँ है ना एक लाइन और रहेगी फाइनल रिजल्ट आउटपुट भी चाहिए हमें इसका प्रिंट एफ परसेंटेज डी ठीक है अब ध्यान दो व्हाइट कलर से लास्ट में आपको एक प्रोग्राम दिखा लिखा दिखाई दे रहा होगा ये प्रिंट ऐप जो लिखा है ना इसके नीचे ही आएगा है ना अब देखो अब यहां पे मैंने एक प्रोग्राम लिखा है इस प्रोग्राम में मेनली ये एडिशन का प्रोग्राम है अभी आपको कुछ नहीं समझना कोई दिमाग नहीं लगाना बस ये एक प्रोग्राम है इतना आप जानते हो ठीक है जब हमें ये पता चला कि ये कैसा है एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ मैंने अच्छा सुनो मैंने बोला कि सबसे पहला एरर रन टाइम एरर की बात करूं तो आपको रन टाइम एरर कितने प्रकार के देखने को मिलेंगे आप लोग कहोगे कि हमारे सर ने बताया था तीन प्रकार के कौन कौन से लॉजिकल एरर सिंटैक्स एरर और सिमांटिक एरर तीन टाइप के होते हैं फिर क्वेश्चन पूछा गया कि इनको डिटेक्ट कौन करता है लॉजिकल एरर को कौन फाइंड करेगा सिंटेटिक एरर को कौन डिफाइन करेगा और सीमांटिक एरर को कौन डिफाइन करेगा मतलब पकड़ेगा तो फिर कहोगे सर कैसे पता करें कौन करेगा देखो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल एरर होता क्या है है ना तब तो हम बता पाएंगे कि कौन करेगा तो अगर मैं लॉजिकल एरर, एरर की बात करूं तो यहां पे देखो एक प्रोग्राम है जहां पे इंटीजर ए और बी दो इंटीजर्स हैं जिनकी कोई इंटीजर वैल्यू यहां पे हमने डिफाइन करी है ट्वेंटी और टेन है ना ट्वेंटी और टेन और हमें हमने एक प्रोग्राम बनाया है, एडिशन का हमने एक प्रोग्राम क्या बनाया है? एडिशन का प्रोग्राम बनाया है कि जो क्या करेगा जिसके अंदर कोई वैल्यूज डालेंगे वो उसको सम करके निकाल देता। जैसे मैंने यहाँ पे इक्वल टू ट्वेंटी है बी इक्वल टू क्या है टेन है तो अगर सी मेरा आउटपुट निकालना है मुझे तो सी क्या होगा सी जो होगा वो ए प्लस बी के सम से निकल के आएगा तो हमें पता है हमें क्या पता है कि सी क्या निकलना चाहिए तीस बताओ ये हम लोगों को पता होगा कि नहीं अगर मान लो थोड़ी देर के लिए तुम्हें प्रोग्राम बनाना नहीं आता पर फिर भी मान लो कि तुम्हें प्रोग्राम बनाना आता है तुमने एक प्रोग्राम बनाया कौन सा सम एडिशन का कि यहाँ पे ए और बी दो इंटीजर्स हैं उनके सम का एक आपने प्रोग्राम बनाया तो यहाँ पे आउटपुट आपको अगर ए की वैल्यू आपने बीस डिफाइन कर दी ए की जगह पे आपने बीस पुट किया है और बी की जगह आपने दस पुट किया है तो क्या आपको थर्टी रिजल्ट मिलने वाला है क्या ये बात आपको पता होगी हाँ बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार आंसर तो कीजिए जब तक आंसर नहीं करोगे क्लास में इंट्र... क्लास को इंटरेक्टिव नहीं बनाओगे तो ये चीज नहीं आने वाली क्या आपको पता होगा कि अगर आपने ए और बी की वैल्यू बीस और दस डिफाइन करी है और आपने ये एडिशन का प्रोग्राम बनाया है सम का तो इसका आंसर आपको पता होगा कि 30 आने वाला है जैसे मान लीजिए आप लोग सिविल इंजीनियर हो ज्यादातर तो है ना तो सिविल इंजीनियर का भी एक जैसे मैं एक मकान बनवाना चाहता हूं बढ़िया एक मैंने प्लॉट खरीदा बढ़िया सा है ना पांच एक हजार स्क्वायर फीट बहुत पैसा है ठीक है पांच एक हजार स्क्वायर फीट एक मकान प्लॉट खरीदा और उसपे मैं मकान बनवाना बन चाहता हूं अब मैं आया तुम लोगों के पास कि साहब चलो आप सिविल इंजीनियर हो बढ़िया से एक स्ट्रक्चर बना के दीजिए मकान कैसा बनेगा अच्छा ये बताओ क्या मैं जब किसी इंजीनियर के पास गया और उसने मुझे मैप बना के दिया पूरा का पूरा आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर आर्किटेक्ट जो होगा उसने पूरा का पूरा मुझे लेआउट बना के दिया कि यहाँ पे आपका वॉशरूम होगा यहाँ पे आपका हॉल होगा यहाँ पे किचन होगी सारा कुछ मेरे दिमाग में पहले से ही पूरा ठीक है मेरे पास दिमाग में पहले से पूरा स्ट्रक्चर हो जाएगा कि मेरा मकान बन के किस तरह से दिखने वाला है बताओ हाँ ना मतलब प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम बनाने के बाद मुझे ये पता होगा कि इसका रिजल्ट तीस आने वाला है हाँ ना होगा जब मैंने सम का प्रोग्राम बनाया है एडिशन का प्रोग्राम बनाया है तो मुझे ये पता है इसका आउटपुट जनरेट जो होगा वो तीस होगा बस इतना बता दो हाँ या ना होगा या नहीं होगा क्योंकि कुछ भी मैं ऐसा नहीं रखना चाहता कि मैं अपने हिसाब से बता दूं और आप रट लो सारी चीजें लॉजिकली वर्क करनी चाहिए ठीक है तो वैसे जैसे हमें मकान के बारे में पता होगा कि हाँ हमारा मकान इस तरह से बन के तैयार होगा वैसे ही प्रोग्रामर को पता होगा कि इसका जो आउटपुट आएगा जो आउटपुट आएगा वो तीस आएगा पर पता है हुआ क्या पर पता हुआ क्या यहां पे हुआ ये कि जब आपने इस प्रोग्राम को रन किया टेस्टिंग पे लगाया तो ये आउटपुट निकाल रहा है दस आउटपुट निकाला क्या दस अब इसने आउटपुट दस निकाला अब सर ये तो बात हमें समझ नहीं आ रही ये हो क्या रहा है सर आउटपुट दस निकाल कैसे सकता है पक्का इस प्रोग्राम में कोई एरर होगा है ना अगर यहां पे आपको पता है कि सब कुछ आपने क्लियरली किया है आपका आंसर तीस आना था इसका प्रोग्राम का रिजल्ट आपको तीस निकलना था पर दस निकल रहा है इसका मतलब यह है कि इस प्रोग्राम में कोई एरर है बताओ या हाँ ना? होगा और वो एरर पता है कहां पे होगा जब आपने प्रॉपर अपने हाथों से वैल्यू पुट करी है ट्वेंटी और टेन इसका मतलब यहां पे एरर पता है कहां पे हुआ है यहां पे ए प्लस बी की जगह पे इन्होंने गलती से पता है ए माइनस बी कर दिया होगा थीके? इन्होंने a प्लस बी की जगह पे a माइनस बी किया होगा तभी तो 20 माइनस टेन टेन आया होगा अगर तुम्हारे पास ब्रेन है मेरे पास भी ब्रेन है और हर एक प्रोग्राम के पास ब्रेन होता है मतलब यहाँ पे पता चल जाएगा कि यहाँ पे लॉजिकल मिस्टेक हुई है यहाँ पे जो लॉजिक लगाया है ना c इज इकल टू ए प्लस बी यहाँ पे गलती हुई है यहाँ पे a माइनस बी करा गया है ऑपरेशन इस चक्कर में हमें दस रिजल्ट आ रहा है तो इस तरह का जो लॉजिकल एरर जो होता है प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल समझते logics, ये एक तरह के लॉजिक कहलाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ये लॉजिकल ऑपरेशन कहलाती है आपकी ठीक है तो इस तरह का कोई भी एरर है अगर आपके सिस्टम के अंदर वो आपका लॉजिकल एरर कहलाएगा क्लियर हुआ हाँ ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि लॉजिकल एरर जो होता है वो किस तरह का होता है मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेशन जो हमारी होती है ना उनमें कोई गलती है तो इस तरह के एरर को हम लॉजिकल एरर कहते हैं पर बात यहां खत्म नहीं हुई है हमें हमारे क्वेश्चन का जवाब भी नहीं मिला है कि लॉजिकल एरर को कौन डिटेक्ट करेगा लॉजिकल एरर को कौन पता लगाएगा अब यह बताओ क्या ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बन सकता है या कोई ऐसा प्रोग्राम बन सकता है जो कि पता लगा ले कि भैया तुम्हारे दिमाग में यहां पे प्लस लिखने का चल रहा था कि माइनस लिखने का चल रहा था है ना? प्रोग्राम बनाने वाले तुम हो और तुमने अपने अकॉर्डिंग सोचा है कि मुझे सम का एडिशन का या माइनस uh, का प्रोग्राम बनाना है कौन सी अर्थमेटिक ऑपरेशन लगानी है तो कंप्यूटर क्या कंप्यूटर के अंदर किसी प्रोग्राम को कम, ना ही कंप्यूटर को किसी को नहीं पता चल सकता ये कि यहां पर तुम्हें तो करना क्या है तो इसके लिए कोई प्रोग्राम है जो इसको डिटेक्ट कर डिटेक्ट कर पाएगा क्या कोई प्रोग्राम बन सकता है ऐसा जो इसे पता कर पाएगा किसी भी टाइप का कोई प्रोग्राम इस तरह के एरर को पता नहीं लगा सकता जो लॉजिकल एरर होता है उसको केवल पता कौन लगा सकता है वो केवल पता लगा सकता है एक प्रोग्रामर खुद क्योंकि उसी ने वो प्रोग्राम डेवलप किया है बनाया है कि उसको किस तरह से उसको फंक्शन कराना है समझ गए तो लॉजिकल एरर किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है तो प्रोग्रामर के द्वारा ठीक है लॉजिकल एरर केवल पता लगा सकता है तो प्रोग्रामर पता लगा सकता है क्लियर हुआ किसी भी प्रोग्राम के अंदर लॉजिकल एरर किसके द्वारा डिटेक्ट किया जाता है तो प्रोग्रामर के द्वारा समझ गए ना आपको खुद पता है कि हाँ भाई ये तो और कोई तो कर ही नहीं सकता इसको कोई और अदर प्रोग्राम एरर नहीं पता ना कंपाइलर की बस की बात है ना यहाँ पे आपके असेंबलर की और ना ही यहाँ पे इंटरप्रेटर की कोई नहीं कर सकता ये सिर्फ प्रोग्रामर ही पता कर सकता है कि हमें यहाँ पे क्या सोचा था उसने अपने अब प्रोग्रामर के मन की बात थोड़ी किसी को कंपाइलर को असेंबलर को पता चल रही है कि यहाँ पे प्लस करना चाह रहा था या माइनस करना चाह रहा था वो तो अपना प्रोग्राम जैसा लिखा हुआ है उसको पढ़ते हुए चला जाएगा उसके हिसाब से तो माइनस भी सही है प्लस भी सही है प्लस है तो प्लस कर देगा माइनस है तो माइनस ऑपरेशन लगा देगा वो थोड़ी एयरसो करेगा क्या आपका कंपाइलर यहाँ पे एरर शो करेगा क्या इंटरप्रेटर करेगा दोनों नहीं करेंगे दोनों के अकॉर्डिंग या तो आप प्लस ऑपरेशन लगा रहे हो तो भी वो अपने अकॉर्डिंग आंसर देगा माइनस लगा रहा है तो अभी अपने अकॉर्डिंग आंसर करेगा समझ रहे हो ना ये बात केवल कौन डिटेक्ट कर सकता है वो सिर्फ प्रोग्रामर ही कर सकता है अच्छा इसीलिए देखो ये लॉजिकल एरर समझ तो आ गया होगा अगर लॉजिकल एरर समझ आ गया तो इसका एक एक और नाम से ये जाना जाता है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट ये इस तरह का जो लॉज uh, एर होता है इसमें कैसा अनएक्सपेक्टेड आउटपुट निकल के आता है ठीक है लिख लो ये भी बात यहाँ पे मेंशन कर लो जो लॉजिकल एरर होता है इसमें अनएक्सपेक्टेड आउटपुट निकल के आता है अनएक्सपेक्टेड आउटपुट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन बनेगा कि अनएक्सपेक्टेड आउटपुट किस तरह के एरर में दिखाई देगा होता है तो वो आपका लॉजिकल एरर के अंदर देखने को मिलेगा ठीक है सर ये तो बात समझ आ गई बाकी की दो और इसी तरह से समझा समझा दिए जाएं है ना हमें समझ आ जाए तो फिर तो सोने पे सो सुहागा हो गया बहुत अच्छी बात है चलो ठीक है तो अब ये जो सिंटेक्स एरर है ये और भी आसान है कैसे देखो इस सिंटैक्स एरर को एक नाम से और जाना जाता है किस नाम से इसे जाना, जाना जाता है रूल एरर रूल्स एरर ठीक है रूल या नियम अरे किसी भी काम के कुछ नियम कायदे कानून होते हैं है ना कुछ रूल्स होते हैं किसी भी काम के तो वैसे ही कोई प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हो ना तो उस प्रोग्राम लिखने के भी कोई क्या होते हैं रूल रेगुलेशन होते हैं कि इसके अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम लिखना होगा जैसे कि जब भी आ, अरे हाँ ये प्रोग्राम में एरर है ये प्रोग्राम रन ही नहीं होता जो मैंने लिखा है क्यों क्योंकि इसको मैंने पे ली ब्रैकेट लगा के इसे बंद नहीं किया यहाँ पे ठीक है प्रोग्राम के एंड में इसको क्लोज करना होता है जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं ना वहां पे एक ब्रैकेट लगाना होता है तो ये क्या होता है एक रूल है सी प्रोग्रामिंग का एक अपना रूल है इसमें ये होता है कि हर एक हर एक लाइन के बाद इस तरह से सेमिकॉलन इस तरह से ये लगाना पड़ता है नीचे कॉमा ऊपर ये डॉट ठीक है हर लाइन के बाद जब भी आप प्रोग्राम लिख रहा है उसमें एक लाइन लिखने के बाद आपको डिफाइन करना पड़ेगा हाँ ये वाली लाइन हमारी खत्म हो गई इस तरह से आप सेमीकोलन सेमिकॉलन ही बोलेंगे ना इसे तो ये लगाना पड़ेगा यहाँ पे फिर आप आगे कंटिन्यू करोगे ठीक है तो इस तरह से किसी भी प्रोग्राम को लिखने के एक अपने क्या होते हैं नियम कायदे होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने सी इज इक्वल टू ए प्लस बी ठीक है तो इसको ऐसा ही लिखना पड़ेगा ऐसा ही लिख सकते ए प्लस बी इज इक्वल टू सी ये गलत है सी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये बात गलत है आपने अगर ऐसा लिख दिया तो वो एर शो कर देगा समझ रहे हो तो ये सब क्या है अगर कोई रूल या रेगुलेशन का वायलेशन होता है उस तरह के एरर को हम सिंटेक्स एरर कहते हैं समझ गए हाँ सिंटेक्स एरर क्या होता है प्रोग्राम को लिखते समय कोई रूल में कोई एरर आता है कोई रूल के अकॉर्डिंग आप रूल से बाहर जाते हो उस तरह के एरर को हम सिंटेक्स एरर कहते हैं और इस तरह के एरर को कौन पहचान लेता है कंपाइलर ठीक है इस तरह का एरर अगर आपने प्रोग्राम के अंदर किया है तो कंपाइलर क्या कर देगा बता देगा कि भैया यहां पे गलती हो गई आपसे ठीक है फिर ये क्या होगा सर सिमांटिक एरर सिमांटिक एरर या इसे अच्छा सॉरी जो आपका सिंटैक्स एरर है इसको एक नाम से और जाना जाता है थोड़ा याद नहीं आ रहा सिंटैटिक एरर है ना सिंटैक्स एरर या सिंटैटिक एरर भी कह देते हैं इसे, लिख लो ये भी सिंटैटिक सिंटैटिक ठीक है सिंटैक्टिक होता है सिंटैक्टिक सिंटैटिक तो है ही सिंटैक्स सिंटैक्टिक एस ये किसी टी नाम से पूछा जाए तो आपको समझ आना चाहिए बस आगे आते हैं सीमांटे एरर क्या होगा सर सीमांटे एरर क्या होगा चलो ठीक है नीचे प्रोग्राम को देखो एक बार ध्यान से इस प्रोग्राम को मैंने लिखा था यहां पे मैंने क्या करा कि प्रोग्राम लिख के जहां पे मैं इंटीजर वैल्यू पुट कर रहा था ए और बी यहां पे मैंने कुछ ऐसे वैल्यूज डाल दी ए और बी ये वैल्यू डाल के और यहां पे मैंने अब यहां पे क्या है वैल्यू तो डाली पर वेरिएबल है यहां पे तो वैल्यूज की जगह पे मैंने वेरिएबल वेरीबल रख दिए इनकी कोई वैल्यू डिफाइन नहीं करी यहां पे अगर मैंने वैल्यू डिफाइन नहीं करी तो होगा क्या ये यह प्रोग्राम यहां से चलना चालू होगा ऊपर से और नीचे तक आएगा रन हो जाएगा पूरा का पूरा ना? ये ऊपर से स्टार्ट होगा रन हो जाएगा यहाँ पे वैल्यू नहीं है इस तरह का जो एरर होता है इसे हम बोलते हैं सीमांटिक एरर आप कहोगे सर इसमें काय का एरर है ये तो हमें समझ ही नहीं आ रहा समझो अगर ऐसे इन केस जब आप वैल्यू डिफाइन नहीं करते किसी भी प्रोग्राम के अंदर तो वो क्या करता है अपने सेल्फ से ही खुद से ही भी कुछ भी क्या होता है वैल्यू को ले, ले लेता है और फिर कुछ ना कुछ उसका रिजल्ट शो कर देगा

उन्होंने पूछा था इस तरह में इसमें देखो कुछ भी वैल्यू आ सकती है इस केस में आप देखोगे कुछ भी वैल्यू यहाँ पे यह प्रोग्राम अपने अकॉर्डिंग ले सकता है इस तरह के मतलब जो गलती है देखो हुआ क्या था एग्जाम में क्या पूछा था जी आई जी ओ का फुल फॉर्म बताइए एम पी गवर्नमेंट ने ही ये क्वेश्चन पूछा है जी आई जी ओ का फुल फॉर्म बताइए तो इस तरह के केस में क्या होता है ये कुछ भी वैल्यू इनपुट लेगा और कुछ भी वैल्यू आउटपुट देगा तो इस तरह की केस में होगा क्या गार्बेज इन गार्बेज आउट मतलब अंदर कुछ भी आएगा कुछ भी बाहर जाएगा अगर जो वैल्यू तुम्हारे काम की नहीं है जो वैल्यू तुमने डाली एंट्री नहीं कराई उस वैल्यू से वो रिजल्ट बना रहा है तो वो एक तरह से वैल्यू तुम्हारे लिए गार्बेज की तरह है ना कचड़े की तरह है ना बेकार कचड़ा कूड़ा बिल्कुल उसके तरह है कि कोई काम का ना अंदर इनपुट गया ना कोई काम का आउटपुट बाहर आया तो गार्बेज की तरह है तो इस तरह जी आई जी ओ इसका फुल फॉर्म पूछा था गार्बेज इन गार्बेज आउट इस तरह की जो वैल्यू होगी इसमें क्या होगा गार्बेज के समान होगी वो हम हमारे लिए गार्बेज इन गार्बेज आउट ठीक है ध्यान रखना तो ये एग्जाम में पूछा गया है एमपी गवर्नमेंट ने ही ये पूछ लिया है गार्बेज इन गार्बेज आउट इसका फुल फॉर्म ठीक है तो इस तरह से यहाँ पे कुछ भी वैल्यू जाएगी वो एक तरह से गार्बेज की तरह होगी है ना जैसे कूड़ादान होता है ना कूड़ादान में जो मर्जी करता है वो हम डाल के जाते हैं कुछ भी है ना चाहे वो अब तो फिलहाल में स्वच्छ भारत अभियान के तहत अलग अलग कलर पे गीला कचरे के लिए अलग डब्बा सूखे कचरे के लिए अलग डब्बा पर अगर कहीं पे लिखा है कूड़ादान तो वहां पे आप कुछ भी फेंक सकते हो है ना फेंक देते हैं वैसे भी तो वैसे ही यहाँ पे ये इसमें जो वैल्यूज होंगी ना कुछ भी वैल्यूज इसके अंदर एंटर करा दी जाएंगी ठीक है और इसमें कुछ भी आउटपुट रिजल्ट जनरेट होगा बस इतना याद रखना है बस आपको मैंने बता एरर तो, अच्छा, तो हमारा सीमांटिक एरर इसको डिटेक्ट कौन करेगा ठीक है एक पार्सर करके एक प्रोग्राम बनाया गया है इस तरह के एरर को बो डिटेक्ट करता है बस इतना याद रखना पार्सर है ना एक पार्सर नाम का प्रोग्राम है ये इस तरह के एरर को डिटेक्ट करेगा बस आप ये याद रखना जो लॉजिकल एरर है इसको प्रोग्रामर फाइंड आउट करेगा सिंटेक्स एरर को कंपाइलर एर और आपका सीमांटे एरर को पार्सर बस इससे ज्यादा आपको कुछ भी एग्जाम के लिए याद नहीं रखना आगे बढ़ते हैं ठीक है हमने देखे ट्रांसलेटर ट्रांसलेटर तीन टाइप के थे असेंबलर कंपाइलर इंटरप्रेटर तीनों आपको क्लियर हैं तीनों किस तरह से काम करते हैं आपको पता चल गया है नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला हमारा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अगला हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो है आपका लिंकर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखो कुछ लोगों के ऐसा होगा कि कंप्यूटर पढ़ने में उनका मन नहीं लगता होगा तो मेरी बात मानिए अगर आप एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो तो अच्छी बात है एग्जाम में नंबर तो देगा ही देगा कंप्यूटर आपके पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्प वैल्यू एड करेगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना ऐसा नहीं है कि मैं एक तरह से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ मेरा सोचना बस ये नहीं है कि पेपर में बस ये लग जाए कि मैंने पढ़ाया है तुमको वो पेपर में बस दिख जाए कोर्स नंबर आए ना आए और मेरा मानना ये है कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारी लाइफ में वो वैल्यू एड करे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए इससे तुम्हें है ना यहाँ पे ये जो अब ये देखो इसमें तो कुछ सीखने लायक नहीं है प्रोग्रामर तो तुम्हें तो कभी बनना नहीं है पर ये तो हम एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं पर आगे जब हम साइबर सिक्योरिटी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे ठीक है या सॉफ्टवेयर के बारे में ही हम और आगे डिटेल में जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये नॉलेज हमें होना था है ना कुछ गलतियां हैं जो आप लोग करते हो बहुत बड़ी बड़ी लाइफ में या कम टेक्नोलॉजी को लेके तो अवेयरनेस जरूरी है तो वो अवेयरनेस भी यहाँ पे क्लासेस में आ जाएगी आप लोगों को ठीक है और आप लोगों को भी कुछ टेक्नोलॉजी के बारे में एड ऑन कुछ एक्स्ट्रा पता हो तो कमेंट में बताया करें है ना मुझे भी कुछ सीखने मिले आपसे ठीक है तो अगर हम बात करें लिंकर की तो उससे पहले हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की क्यों इसको तो हम पढ़ ही रहे हैं वैसे भी बस थोड़ा सा मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप लोग भूल तो नहीं गए सॉफ्टवेयर क्या होता है हाँ अगर मैं कहना चाहता हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है सॉफ्टवेयर आप कहोगे सर आपने आपसे ही सीखा है कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम ठीक है बहुत सारे प्रोग्राम्स का आप जब कलेक्शन कर लोगे एक साथ लेके आओगे ने तो उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं सेट ऑफ प्रोग्राम या कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम जो भी आप कहना चाहो तो अच्छा तो बहुत सारे प्रोग्राम मिलकर क्या बना लेते हैं सॉफ्टवेयर बना लेते हैं जैसे मैं बोल रहा हूं सॉफ्टवेयर तो ये क्या है जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मान लीजिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया ना प्रोग्राम नंबर वन ये मैंने बना लिया प्रोग्राम नंबर वन बन। मैंने बनाया प्रोग्राम नंबर टू ठीक है एक और बना लिया प्रोग्राम नंबर थ्री मैंने तीन तीन प्रोग्राम बना लिए और तीनों को मैंने कंबाइन कर दिया तो क्या इससे एक सॉफ्टवेयर बनकर तैयार हो गया क्या तीन प्रोग्राम मिल गए तो तीन प्रोग्राम से एक सॉफ्टवेयर बन सकता है हाँ बिल्कुल बखूबी बन सकता है मान लीजिए क्या है मेरे पास सॉफ्टवेयर है अब इस सॉफ्टवेयर को जब मैं रन करूंगा तो इसका जो प्रोग्राम का कोड है वो रन करेगा पर एक बात बताओ जो प्रोग्राम लिखा गया है वो कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया होगा अरे भाई किसी प्रोग्रामर ने प्रोग्राम लिखा है तो वो किस लैंग्वेज में लिखा गया होगा ऑब्वियस बस बात है हाई लेवल लैंग्वेज में है ना जावा पाइथन सी सी प्लस प्लस पाइथन जिस भी भाषा में लिखा होगा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होगा क्योंकि इंसान को मनुष्य को केवल हाई लेवल लैंग्वेज आती है ठीक है तो एक बात बताओ जब इस प्रोग्राम को तुम चलाओगे इस सॉफ्टवेयर को तुम चला रहे हो कंप्यूटर के अंदर तो क्या वो हाई लेवल लैंग्वेज समझ सकता है आपका सीपीयू नहीं सीपीयू को तो भैया लो लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड के फॉर्म में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा ये जो प्रोग्राम है आपका इस प्रोग्राम को मुझे कंपाइलर के थ्रू क्या करना पड़ेगा मशीन कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा ये आपका कोड है जो प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया है सोर्स कोड इसको किसने मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर लगेगा यहां पे इस प्रोग्राम को चलाने के लिए कंपाइलर चाहिए पड़ेगा जो कि क्या करेगा जो कि इस वाले प्रोग्राम का जो कोड है इसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में कन्वर्ट कर देगा बताओ यहां तक क्लियर है बात ऑब्जेक्ट कोड कह दो या मशीन कोड कह दो बात दोनों सिमिलर है ठीक है जो सेकेंड वाला प्रोग्राम है इसको भी कंपाइलर क्या करेगा ये ट्रांसलेटर होते हैं कंपाइलर ये थर्ड वाले प्रोग्राम को भी कंपाइलर चाहिए पड़ेगा और ये तीनों के तीनों क्या करेंगे इसको ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड में परिवर्तित कर देंगे ठीक है भैया ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाएगा ठीक है अब ये जब प्रोग्राम आपके ऑब्जेक्ट कोड में बदल गए तो ये मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में तो इन प्रोग्राम को इन ऑब्जेक्ट कोड को इन ऑब्जेक्ट कोड अब ऐसा देखो क्या होता है जब भी सीपीयू जो है आपका सीपीयू के पास कोई प्रोग्राम जब रन होगा जैसे आपने मान लीजिए कोई एप्लीकेशन दस सिविल पॉइंट एप्लीकेशन ओपन करी

जहां एक क्लिक करते हो उस एक क्लिक के पीछे एक प्रोग्राम प्रोग्राम रन हो रहा होता है जैसे आपने स्टार्ट लर्निंग करा है ना वहां ऑप्शन आता है क्लास क्लास या फिर स्टार्ट लर्निंग जब लाइव होती है तो तब भी आप ज्वाइन करने के लिए क्लिक करते हो उसके पीछे भी एक प्रोग्राम रन हो रहा होता है मतलब हर एक पॉइंट पे एक प्रोग्राम तो हो पता है इसका मतलब क्या है जब भी आप एक एप्लीकेशन रन करते हो तो बहुत सारे ढेरों प्रोग्राम एक साथ चलते हैं है। अब यहाँ पे तो सभी सारे के सारे प्रोग्राम अलग हैं और कंपाइलर क्या करेगा सारे प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करेगा तो ये जो सारे ऑब्जेक्ट कोड हैं इन सारे ऑब्जेक्ट कोड को कंबाइन करने का काम इनको एक साथ लिंक करने का काम होता है लिंकर का मैंने क्या बोला इन सभी को लिंक करने का काम कौन करेगा ये काम करेगा आपका लिंकर है ना इन सभी प्रोग्राम को लिंक करने का काम किसका होता है लिंकर का होता है मैंने बोला एक प्रोग्राम आपके पास वन है एक प्रोग्राम टू है एक प्रोग्राम थ्री है थ्री है इन सभी प्रोग्राम को कंपाइलर क्या करेगा ऑब्जेक्ट कोड कोड में में परिवर्तित करेगा या मशीन क्योंकि हमारा सीपीयू जो यहाँ पे सीपीयू सीपीयू लगा है ये केवल किसको जानता है ऑब्जेक्ट कोड को जानता है इसलिए हमें कंपाइलर की जरूरत पड़ी ये कंपाइलर के द्वारा जो ऑब्जेक्ट कोड जनरेट किया जाएगा इस जनरेट करे हुए ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करने का काम किसका होगा इस कंपाइलर का होगा क्योंकि सीपीयू केवल ऑब्जेक्ट कोड को जानता है ठीक है तो यहाँ पे हम आ, क्या बोलते हैं इसका लिंकर का वर्क लिख सकते हैं लिंकर क्या करता है जो कंपाइलर द्वारा तैयार किए गए ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड को लिंक करने का, का काम करता है सीपीयू तक भेजने के लिए है ना सीपीयू क्या करता है एक साथ इन कोड को रन करता है तो आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो लिंकर लिंक्स uh, लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल्स है ना जनरेटेड बाय जनरेटेड बाय किसने जनरेट करी है ये फाइल ये जो फाइल है ऑब्जेक्ट कोड की कंपाइलर ने ठीक है कंपाइलर द्वारा जनरेट की गई फाइलों को लिंक करने का है ना लिंकर लिंक्स ऑब्जेक्ट कोड फाइल जनरेटेड बाय कंपाइलर एंड एंड इनको क्या करता है कंबाइन करता है इनटू बन फाइल इनटू बन फाइल अच्छा देखो होता क्या है आ, ये जो आपका लिंकर है ये इनको लिंक करता है पहले तो एक साथ एक साथ लिंक करने के बाद इनको कंबाइन करके एक सिंगल एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव फाइल में बदल देता है है ना आपने देखा होगा कभी आ, जो आपकी सी ड्राइव होती है ना उसमें एग्जीक्यूटिवल फाइल होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की कई सारी डॉट ई करके डॉट ई फाइल में बदल देता है इन्हें बोलते हैं एग्जीक्यूटिवल फाइल ठीक है तो इन्हें इन वन फाइल इंटू वन एग्जीक्यूटिवल फाइल लिख लो एग्जीक्यूटेबल फाइल ठीक है एंड फर्दर एंड फर्दर सेंड टू सीपीयू और ये फिर बाद में क्या कर देता है सीपीयू को सेंड कर देता है ठीक है बाद में सीपीयू को सेंड कर देगा क्लियर हुआ लिंकर का काम क्या है सर ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करता है लिंकर हाँ तो मैंने भी तो वही बताया ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करेगा ये ऑब्जेक्ट कोड को लिंक करके एक सिंगल एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करके किसको सेंड कर देगा ये सीपीयू को क्योंकि सीपीयू आपका ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड को ही समझ सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखो जितने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बेसिक बेसिक प्रोग्राम होते हैं हमने सारे के बारे सबको पढ़ लिया है बायोस पढ़ लिया है लोडर पढ़ लिया है लिंकर पढ़ लिया है ना ट्रांसलेटर्स पढ़ लिए हैं अब यहाँ पे एक मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर या जो सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन आते हैं वो बचा है पढ़ने को और सबसे ज्यादा टाइम भी पढ़ने में इसी को लगेगा जो है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ना किसके बारे में पढ़ना है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जहां से एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम देखो शॉर्ट में ओएस सी बोल देते हैं ठीक है अभी कुछ जैसे अगर मैं बात करूं अच्छा देखो इसको पहले एक डायग्राम से मैं आपको समझाता हूं फिर इसके बारे में आपको लिखा दूंगा क्लोज एंड ओपन क्या बोल रहे हो आप ये क्लोज एंड ओपन अरे वो अपन आज बाद में बात करेंगे क्लोज सोर्स ओपन सोर्स बाकी चीजें यहां पे नहीं आएंगे वो है ना सॉफ्टवेयर के टाइप आप सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हो ना क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो अभी आगे बात करेंगे ये तो सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो क्या करते हैं हार्डवेयर को एक तरह से मैनेज करने का काम करते हैं उनकी बात कर रहे हैं ना एंड्रॉयड आई यूएस हाँ हाँ इनकी बात कर रहे हैं देखो आप मार्केट गए आपने एक कंप्यूटर खरीदा आप कौन हो नो? पहले तो ये बताओ कंप्यूटर के केस में आपको क्या कहा जाएगा कंप्यूटर यूजर मतलब कंप्यूटर के केस में आपको क्या कहा जाएगा कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर यूज करने वाले आप ही हो ना कंप्यूटर यूजर आपको कहा जाएगा यूजर या कंप्यूटर यूजर ठीक है भैया अरे तुम कंप्यूटर यूजर तब कहलाओगे कब जब तुम्हारे पास एक कंप्यूटर होगा है ना जब तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है तो तुम कंप्यूटर यूजर कहां से कहलाओगे चलो ठीक है मार्केट चलते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर लेके आते हैं ये लो सर आप तुम कर रहे थे कह रहे थे कंप्यूटर नहीं है लो हमें कंप्यूटर हार्डवेयर ले आए आप गए मार्केट आपने कंप्यूटर हार्डवेयर ले लिया अभी तो अभी तो तो ठीक है है क्या होता इनबिल्ट आने लगे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम आज से दस साल पहले आप कंप्यूटर शॉप पे जाते मतलब आ, किसी हार्डवेयर की दुकान पे जाते कंप्यूटर हार्डवेयर की तो वो कहता कि लो भाई कंप्यूटर ले लिया अच्छा क्या मैं इसमें विंडो डाल दूं या आज के टाइम पे भी आप सिस्टम लेते हो ना कंप्यूटर सिस्टम तो वो कहता है एक मिनट आप एडवांस जमा कर दीजिए बता दीजिए कौन सा से, किस स्पेसिफिकेशन चाहिए एक घंटे बाद आ जाना जब तक रेडी हो जाएगा कंप्यूटर तब तक आपका रेडी हो जाएगा फिर आप ले जाना क्यों क्या रेडी करना है है ना बना बना या नहीं आता वो कहेगा कि देखो आपके कंप्यूटर में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा तो समझ रहे हो कभी भी हम मार्केट से जब कंप्यूटर परचेस करते हैं तो वहां पे खाली डब्बा मिलता है उस डब्बे में एक सॉफ्टवेयर uh, वाला पार्ट डाला जाता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से ऐसा होता है कि ये कंप्यूटर को चलाता है पूरा कंप्लीटली मतलब इसके बिना तो कंप्यूटर कंप्यूटर ही नहीं है कुछ भी काम नहीं है डब्बा है कंप्यूटर आपका मैं अभी बताऊंगा क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना है अभी बस इतना समझो कि आपने कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदा और उसके अंदर दुकान वाले से बोला कि भैया लो इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दो अब उसकी जरूरत आपको पता चलेगी क्या है लो भाई उसने क्या डाला इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया ठीक है अब आपके पास कंप्यूटर था मान लो कि देखो इसमें उसने डाल दिया विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम देखो विंडोज ही क्यों डलवाया मैंने एग्जाम्पल के लिए विंडोज लिया मैंने क्योंकि इस पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर यूज करे जा रहे हैं आज के टाइम पे उसमें से लगभग 85 82 85 टू परसेंट कंप्यूटर्स के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है अगर आप में से भी किसी के पास कंप्यूटर सिस्टम है तो बता दीजिए उसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है आप में से लगभग सभी का आंसर होगा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे विंडो सेवन हो विंडो एसपी एक्सपी हो विंडो टेन हो विंडो एट हो विंडो हो. इलेवन होगी पर विंडो ही है ना है ना विंडोज देखो आंसर भी अभी विंडोज आ रहे हैं क्योंकि लगभग पूरी अभी देखो अभी तो अभी पिछले तीन चार साल से आईओएस नहीं होता मैक होता है ना मैक ओएस होता है जो एप्पल कंपनी के कंप्यूटर लैपटॉप आते हैं उनमें मैक ओएस आता है आईओएस जो होता है वो मोबाइल डिवाइस के लिए होता है मोबाइल फोन के लिए आईओएस आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम आता है मैक का ओएस ओएस आता है Mac OS. है मैक ना मैकबुक करके सुने होंगे मैकबुक एयर वन मैकबुक एयर टू मैकबुक एयर थ्री है ना लेटेस्ट जो आ रहा है अभी मैकबुक एयर थ्री आ रहा है ना आईओ का हाँ तो अगर मैं आपसे बात करता हूं अभी फिलहाल में तो एट्टी ही है पर आज से कुछ साल पहले देखा जाए तो ये 95 फाइव परसेंट से भी अधिक था विंडोज का यूज क्यों क्योंकि अभी फिलहाल में एप्पल कंपनी बहुत अच्छा ग्रो कर रही है और एप्पल के प्रोडक्ट लोगों को बड़ा बहुत ज्यादा लुभा रहे हैं उसकी सिक्योरिटी को चलते हुए ठीक है ठीक है एक तुम जो बोल रहे हो ना इतने का मैकबुक एयर थ्री जो है उसकी प्राइस आपकी टू लैख के अब भी जाती है जो प्रो सीरीज आती है ना है ना प्रो बुक जो कह रहा हो ना दो लाख के अब जाती है जो एयर बनाता आता है ना वो अभी फिलहाल में उसकी हुई है। 65 के के कुछ है, उसकी हजार तक आता है ईयर वन आपका एट्टी फाइव के समथिंग आएगा और ये जो है ईयर थ्री वहां बन टेरा वाइड में आप जाओगे उस, मतलब मेमोरी के ऊपर डिपेंड करता है एप्पल के डिवाइसेस होते हैं पैसे तो बेस वेरियंट उनके कम के होते हैं पर उनमें अगर मेमोरी को एक्सटेंड करते जाओ बढ़ाते जाओ ना तो वो बहुत महंगे पहुंच जाते हैं तीन लाख तक पहुंच जाएगा अगर आप उसमें मेमोरी स्पेस को बढ़ाते रहोगे तो है ना लगभग चलो यहाँ आ जाओ लैपटॉप की बात नहीं कर रहा रहे यहाँ आ जाओ ऑपरेटिंग सिस्टम पे ठीक है तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा विंडोज ही डाला हमने है ना चलो ठीक है अब एक बात बताओ ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा क्या ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी क्यों था ये ऑपरेटिंग सिस्टम जरूरी इसलिए था कि कंप्यूटर तुमने लिया किस लिए है कंप्यूटर सिस्टम लगाया लिया किस लिए अपने काम के लिए डॉक्यूमेंटेशन का काम करना इंटरनेट चलाना है सर की क्लासेस देखनी है सर की क्लासेस में पीडीएफ है उनको कर, सर ने प्रैक्टिकल कराया एमएस वर्ड के अंदर उन प्रैक्टिकल्स को करके देखना है इसलिए लैपटॉप खरीदा हाँ भैया क्या किस लिए खरीदा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करने के लिए एमएस ऑफिस चलाने के लिए क्या चलाने के लिए एम एस ऑफिस चलाने के लिए खरीदिया मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए आपने एम एस ऑफिस चलाना है जो कि क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए आपने एक कंप्यूटर सिस्टम खरीदा तो सुनो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए जो बेस होता है जो प्लेटफॉर्म होता है प्लेटफॉर्म बनाने का काम करता है आपका एमएस ऑफिस सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम ये एप्लीकेशन को चलने के लिए जो प्लेटफॉर्म होगा वो प्रोवाइड कौन करेगा ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा मतलब पहला काम यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में एक कड़ी होती है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं जो कि यूजर अपने यूज के इस पर, ज, मतलब जनरल पर्पस के यूज के लिए जो एप्लीकेशन का यूज करता है उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं उन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड करता है आपका

सबसे पहले लिखते हैं प्राइमरी पर्पस इसका प्राइमरी पर्पस क्या है प्राइमरी पर्पस मैंने अभी डायग्राम से जो समझाया मैं वही लिखा देता हूं तुम्हें अगर कोई पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक काम क्या है मेनली ऑपरेटिंग सिस्टम डाला क्यों जाता है कंप्यूटर के अंदर ठीक है उद्देश्य क्या है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है हुँ? क्या बोलेंगे ये क्या है इंटरमीडिएटर है किस किस के बीच में कंप्यूटर यूजर और हार्डवेयर के बीच में ठीक है इंटरमीडिएटर का, का काम करता है यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच लिख सकते हो आप इट बर्कस इट बर्कस एज एन इंटरमीडिएटर इट एज एन इंटरमीडिएटर बिटबीन बिटबीन यूजर एंड हार्डवेयर यूजर और हार्डवेयर के बीच क्या करता है इंटरमीडिएटर का, का काम करता है ठीक है फिर हम अगर इसका सेकेंडरी पर्पज बात करें सेकेंडरी पर्पज क्या होगा इसका ओएस का सेकेंडरी पर्पस द्वितीय उद्देश्य दूसरा पर्पस क्या है इसका सेकेंडरी तो फिर हम क्या कहेंगे ये क्या करता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक मंच प्रोवाइड करता है एक प्लेटफॉर्म प्लेटफॉर्म देता है सेकेंड मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए तो लेको इट क्रिएट इट क्रिएट आ प्लेटफॉर्म फोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट क्रिएट अ प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है और अगर हम बात करें देखो ये तो आपको जनरली आपसे कोई जनरल पूछे के ऑपरेटिंग सिस्टम का पर्पस क्या है तो ये दो मेन पर्पस हैं इसके प्राइमरी अगर हम देखें तो ये क्या करता है इंटरमीडिएट का, का काम करता है हार्डवेयर और यूजर के बीच देखो डायग्राम से समझ आ रहा है तो एक तरह से इंटरमीडिएटर का, का काम कौन कर रहा है यही कर रहा है ना बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके द्वारा ही तो लिंक करा जा रहा है कंप्यूटर यूजर और एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं ना तो ये प्लेट प्लेटफॉर्म है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच के प्लेटफॉर्म ठीक है जो मैंने बताया आप वही बोल रहे हैं अच्छी बात है ठीक है तो ये दो काम हो गए अच्छा चलो सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए कौन कौन से होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ठीक है तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं कंप्यूटर ओ की अभी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूं वो भी कंप्यूटर के कंप्यूटर ओएस के एग्जाम्पल तो बता दीजिए क्या होते हैं ये कंप्यूटर ओएस जैसे आप विंडोज का नाम ले रहे हो मैक का नाम ले रहे हो क्या इसके अलावा भी कोई होते हैं चलिए अगर मैं बात करूं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के केस में तो विंडोज को ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो ठीक है ये इसका एग्जाम्पल हो गया विंडोज एमएस डॉस का आप लोगों ने नाम सुना है माइक्रोसॉफ्ट डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी आपका एक ओएस था कंप्यूटर के लिए है ना आपने लाइनेक्स का नाम सुना होगा लाइनेक्स के अलावा आपने यूनिक्स का नाम सुना होगा कभी ना कभी लाइफ में नहीं सुना तो आज सुन लीजिए मेरे मुंह से है ना ये कहा ये ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अलावा आपने मैक तो सुना ही है अभी जस्ट क्लास में नाम लिया मैंने मैक है ना इसे मैशिन मेशिनतोस है ना इसके अलावा ओ एस बाई टू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था आया था मतलब अभी तो फिलहाल में इनका बहुत कम यूज देखने को मिलेगा एक आपने सुना होगा अनबी टू करके आया था इसी के वर्जन थे ये आपके डॉस के यहाँ पे के यूनिस्कबीटू और एक सोलर सोलरिस लिख लो सोलारिस एक अनबी टू अवन टू अवन टू करके ए टू कहते हैं अनबी टू अवन टू करके आया था ये आपके सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है ये जो आप बोल रहे हो ना सिम ये जो नाम ले रहे हो ना ये मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम आया था सोलारिस तो इसी का है आ, ये जो आप नाम ले रहे हो ना सिम ये मोबाइल के लिए चलो ठीक है मैं यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ क्या होता है कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा जाता है हमसे और मोबाइल का बता देते हैं ठीक है तो यहाँ पे कुछ स्मार्टफोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी लिख लो स्मार्टफोन ओ है ना जो मोबाइल फोन के लिए भी कंपनियों ने क्या है कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हुए थे जैसे आपने नाम सुना होगा जरूर जरूर नाम सुना होगा एंड्रॉय ठीक है एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लगभग 99% लोगों के पास अभी मोबाइल फोन है तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा होगा ठीक है वैसे ही आपने नाम सुना होगा आईओएस, ये एप्पल कंपनी का किसी के पास अगर फोन है तो उसके अंदर आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होगा इसके अलावा एक मीगो करके भी ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल फोन में यूज होता है एक बैब ओ करके भी होता है बैब ओ ये भी मोबाइल फोन के लिए बनाया है ये से अभी इन्होंने नाम लिया किसका ठीक है आपके पास आयोएस है मेरे पास भी आईओ है ठीक है अच्छी बात है आ, बैब ओ हो गया इसके अलावा आ, सिम है ना सिम बिन ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है एक बाड़ा करके भी ऑपरेटिंग सिस्टम था बाड़ा अच्छा तुम लोगों ने ना आज से आठ दस साल पहले मोबाइल फोन देखा होगा कीपैड मोबाइल फोन आता था ऐसा बड़ा सा इसमें बहुत सारी बटने होती थी आप की बहुत सारी की होती थी ब्लैक देखो मैंने नाम लिया और आ गया पहले एक मोबाइल फोन आता था एक बड़ी सी डिस्प्ले उसके अंदर बहुत सारी की रहती थी वो ब्लैकबेरी कंपनी थी कंपनी का नाम भी ब्लैकबेरी था वो कंपनी अपना ही खुद का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती थी ब्लैकबेरी इंडिया ने उसे बैन कर दिया था यूएस कंपनी है ब्लैकबेरी टीवी वगैरह में ये वाले मोबाइल फोन आपने ब्लैकबेरी के जरूर देखे होंगे बहुत अच्छी कंपनी थी रेपुटेटेड थी पर इस कंपनी का क्या था ये अपना यूएस बनाती थी और अपना ही मोबाइल और इसने कुछ गवर्नमेंट को कुछ परमिशन नहीं दी थी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कुछ तो इसको इंडिया में बैन कर दिया गया था ठीक है एक आपने सुना होगा मोबाइल के फोन के केस में विंडोज सर ये तो थोड़ा सा गड़बड़ सा मामला लग रहा है ये तो आई मतलब ये थोड़ा गड़बड़ मामला लग रहा है विंडोज विंडोज तो हमने सिर्फ कंप्यूटर के केस में सुना है आप मोबाइल का बता रहे हो अरे भैया एक कंपनी का नाम सुना होगा नोकिया नोकिया कंपनी को कौन नहीं जानता अभी तो आप लोग तो जानते हो कि अगर आपकी जनरेशन आएगी वो नोकिया को भूल जाएगी और नोकिया का इतना बड़ा मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में बहुत बड़ी कंपनी रही है एक समय पे मोबाइल फोन मतलब नोकिया चलता था है ना? ये माना जाता था कि नोकिया के मोबाइल फोन ऐसे हैं कि किसी के सर में फेंक के मार दो तो, सर टूट जाएगा पर मोबाइल फोन नहीं टूटेगा है ना अभी नोकिया भी स्मार्टफोन बनाता है भैया अभी भी आते हैं और आते थे

है ना समझदार हाँ ये डबल हैंड गई हैंड हैंडसेक का साइन मतलब लोग लोगों को क्या है चीजें सरल आसान चाहिए है ना आज के टाइम पे भी कई लोग बहुत सारा पैसा होने के बाद भी सब कुछ सिक्योरिटी अच्छी खासी आईओएस में मिलती है आईओएस यूज नहीं करते तो इसलिए ये लगता है उन्हें क्यों क्योंकि अरे थोड़े उसके जो फंक्शन होते हैं फीचर होते हैं कुछ ज्यादा होते हैं चलाना नहीं आएगा इसलिए आईओएस यूज नहीं करते पैसा है ले सकते हैं बढ़िया सब कुछ है पर उनको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसलिए सोचते हैं कि हम आयो को रहने दो है ना बढ़िया है हमारा एंड्रॉय बढ़िया उससे चलाया जीवन भर से वो ही बढ़िया है है ना तो ऐसा तो नोकिया की सबसे बड़ी गलती ये थी इनने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में डाल दिया अब आपको पता है कंप्यूटर मोबाइल चलाना आसान है कंप्यूटर के कंपेरेटिव में तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में जब आया तो यूजर फ्रेंडली इतना नहीं रहा वो लोग उसको इतना अच्छे से डील नहीं कर पाए इसलिए लोगों ने उसको मोबाइल फोन लेना कम कर दिया तो उस चक्कर में नोकिया पूरी कंपनी डूबी गई नहीं आज से चार पांच साल पहले मैं भी नोकिया का फोन यूज करता था है ना जो नोकिया की सीरीज आई थी नोकिया सिक्स सेवन करके आए थे ना फोन है ना वो अच्छे फोन थे बहुत बढ़िया ठीक है तो नेक्स्ट क्लास में अपन ये ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ना स्टार्ट करेंगे अभी मैंने आपको जनरल से ये बताया ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है क्या बोल रहे हो ठीक है क्या पता तुम लोग क्या बात कर रहे हो ठीक है, है? नेक्स्ट क्लास में अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अपन लोगों की क्लास लेट हो गई थी मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में आप लोगों की शायद साइंस की क्लास है अब नौ से वो लेट हो है ना और मैं सर से बोल दूंगा कि कल से अपनी टाइम साढ़े सात पे मतलब क्लास स्टार्ट हो जाए करे है ना कोई क्लास ना रहे करे पहले से ठीक है पीडीएफ और क्लास का जो क्लास है मैं अपलोड करा दूंगा बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में है मिलते हैं ठीक है आपस में भी बातें कर रहा हूं मैं कह रहा हूँ ये क्या पता ये कि लोग क्या कमेंट कर रहे हैं ठीक है हाँ कल करते हैं कल अपन टाइम पे स्टार्ट करेंगे ना बढ़िया से चलिए आप जाइए आप लोग अभी आप लोग जा सकते हैं कल अपन इसको बहुत बढ़िया से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अच्छा टॉपिक है इंटरेस्टिंग भी है मजा आएगा पढ़ने में है ना जा सकते हो मैं ऑफ कर दे